राम राम किसान भाइयों, स्वागत है चैनल ऑर्गेनिक फार्मर में। मैं हूं आपका किसान दोस्त नितिन काजला और मैं अभी भी बैठा हूं गुरुजी शमशेर सिंह जी के पास में। और हम लोग ऐसी चर्चा कर रहे थे, बहुत सारी दोपहर ही हो गई बात करते करते। मेन मुद्दा यही निकल के आता है कि चलो भाई, मैं एक किला कर लेता हूँ, आप 5-6 किले कर ले रहे हो। हम लोग तो जैविक खेती करके और उससे उत्पाद उगा के और उपभोक्ता साथियों को दे के और अपनी पूर्ति कर पा रहे हैं, हम तो अपने परिवार को संतुष्ट कर पा रहे हैं। लेकिन वो किसान जो जैविक नहीं कर सकता और केमिकल में उसका नुकसान होता जा रहा है, लागत उसकी बढ़ती जा रही है, तो ऐसा क्या एक ऐसा पॉइंट निकल के आए कि बहुत ज्यादा जैविक के पीछे भी ना भागना पड़े और क्या एक विधा ऐसी हो कि भाई घर की पूर्ति हो जाए। क्योंकि आजकल की स्थिति यह है भाई कि जिस हिसाब से खेती के खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है और बीज का रेट नहीं मिल रहा है। पिछली वीडियो आपने देखी तो गुरुजी ने एक किला कढ़वाया जो उसमें गेहूँ, जो मशीन वाली वीडियो आपने देखी, तो ये मेरी चर्चा हुई, मगर जी क्या रेट जाएगा, बोले 2015। मैंने कहा क्यों, वो हो रहा है कि 2300 बिक रहा और 2200 बिक रहा, बोले सब सोशल मीडिया के हवे हैं, कहीं कोई इस तरह का रेट नहीं है, नहीं मिल रहा है ना, वही 2015 या 2010 या 2000 का रेट मिलेगा, जैसी नमी होगी दाने के हिसाब से वो इनको मिलने वाला है। तो फिर हम यही चर्चा कर रहे थे, तो एक ऐसी चीज़ बहुत अच्छी नज़र आई, क्योंकि मैं भी और किसानों से भी मिलता रहता हूँ और इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है कि भाई इन्होंने भी पिछली तीसरी चौथी वीडियो पहले इन्होंने खुद बताया, जब हम वो 187 गेहूँ की वीडियो बना रहे थे कि भाई एक साल पहले हमारे पूरे गाँव को 187 का नकली बीज दे दिया, बिल्कुल बेकार बीज था, बिल्कुल बेकार दे दिया गया, प्रोडक्शन नहीं थी, कुछ नहीं प्रोडक्शन थी। और तो इस साल ये वहाँ से अपना हिसार यूनिवर्सिटी से बीज लेकर क्या कमाल का किला खड़ा है। अनफॉर्चुनेटली मैं उसको नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बनाते ही मैं तुरंत निकल जाऊंगा घर के लिए, भाई मेरा कल मेरठ में बहुत जरूरी काम है और मुझे आज शाम तक घर पहुंचना है। तो वो किला कटेगा जब वो गुरुजी मुझे बता देंगे क्या रिपोर्ट रही। तो हम ये चर्चा कर रहे थे कि बीज बनाना, सीड प्रोडक्शन एक ऐसी चीज़ है कि भाई जिसकी वजह से किसान तकनीकी रूप से संतुलित खेती करके सीड प्रोड्यूस करे, किसान सक्षम हो सकता है और वो दूसरे किसानों को एक नॉमिनल चार्ज पे, मान लिया जैसे गेहूं है, गेहूं का बीज यूनिवर्सिटियां ये सब 80 रुपये, प्राइवेट वाले 100-120 रुपये किलो भी बेचा है इन लोगों ने बीज। धान का बीज है, धान का बीज 100-150 रुपये, पिछले साल 150-130 रुपये के हिसाब से आम किसान को सारे बीज 150-130 रुपये बिके। तो 80 रुपये 100 रुपये में अगर हम धान का बीज बेच सकें, 50-60 रुपये में अगर हम गेहूँ का बीज बेच सकें, तो अगर इतना भी हम कर सकें तो हो सकता है कि हम अपने परिवार का गुजारा अच्छे से कर सकें। तो इसी सिलसिले में मैं अपने एक दो वैज्ञानिक साथियों से भी बात करूंगा कि भाई हमारे किसान साथियों को सीड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनकी लाइसेंसिंग हो सके वो काम किया जाए, ताकि किसान आपस में मिलकर अच्छा सीड तैयार कर लें और एक दूसरे को बांट लें, उसमें किसानों को भी बहुत ज़्यादा फायदा है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सबसे बड़ा खर्च है जो हमारे खेत का वो बीज से स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, बीज और कीटनाशक और पोषण, ये तीन चीज़ है। जब बीज हमें अच्छी क्वालिटी का मिल जाए तो हमें हमारी नहीं मान के चलो तकरीबन सभी समस्या का समाधान हो जाए, रोग कम आएंगे, प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, बाजार में भी अच्छा जाएगा, दो दो पैसे भी मिलेंगे। सर सारा समस्या बीज की है, अगर बीज हमें अच्छा नहीं मिलता तो सारी समस्या वहीं शुरू हो जाएंगी, तो खेत से बहुत कम पैदावार ले पाओगे किसान। तो मेरा कोशिश ही है कि अच्छे बीज ले आओ और खुद तो उगाओ, ट्रायल लो, फिर किसानों को दो। अब अच्छे बीज देखो भाई गुरुजी ने ला रखे हैं। अब हुआ क्या था कि आप लोगों ने देखा कि पिछली बार हमने 1692 का दोनों जगह पे, यहाँ पे भी अट्टा में, समालका में भी गुरुजी ने, और मैंने भट्टीपुरा में भी 1692 वैरायटी लगाई थी, और 1692 वैरायटी पूसा की धान की बहुत अच्छी हमारी निकली और बीज को भी हाथों हाथ साथियों ने लिया। 7-8 दिन में मेरा और उसके बाद गुरुजी का जो बचा हुआ बीज था, जो इन्होंने रख लिया था बीज में, वो सब निकल गया। किसानों के अभी भी फ़ोन आ रहे हैं। तो हम लोग पूसा मेले में गए हुए थे, उसकी वीडियो आपने देखी थी, वहीं पर पूसा मेले में वैज्ञानिकों ने दो और नई किस्में धान की तैयार की है। ये आपकी है भाई PB 1847 और एक ये आपकी है PB 1885। दो तरह की पैकिंग है ये, अलग अलग, पहले वो वाली दी थी फिर ये दी थी, दोनों ही पूसा संस्थान के खुद के फार्म के बीज हैं, आप ये देख लो, सीड प्रोडक्शन यूनिट पूसा। खैर, तो अब इन वैरायटी के बारे में मैं आपको बताऊं कि जैसे 1692 की बात है, तो 1692 जो थी वो वैरायटी 1509 के उन्नत किस्म में इन्होंने निकाली थी, इम्प्रूव वैरायटी 1509 की। उसके साथ साथ ये भी जीनोसाइड एक चल रहा था, साथ में ट्रायल चल रहे थे, लेकिन ये पिछले साल ना आकर इस साल इन्होंने रिलीज़ करी है।
और इन्होंने ये बताया कि ये वेराइटी 1692 के साथ क्या दिक्कत आई है कि 1692 का प्रोडक्शन बहुत बढ़िया है, 1692 में रोग नहीं है। 1692 में एक समस्या है कि 1692 का जो दाना है गुरुजी वो हल्का सा 1509 से मोटा है, मोटा है। और जैसे आप भी मंडी में लेके गए थे गुरुजी, थोड़ा सा बीज मंडी में लेके गए थे ये देखने के लिए कि भाई इसका रेट कैसा रहेगा। रेट तो नॉर्मली था, है ना, तो रेट उसका बिल्कुल 1509 के बराबर ही मिला, उसमें कोई खास फायदा किसान को नहीं मिला। तो ये जो है मैं देखता हूँ एक बार खुला हुआ कोई पैकेट, हाँ ये रहा। तो ये जो इसका जो दाना मैं देख पा रहा हूँ ये बिल्कुल 1509 जैसा है, मतलब उसमें क्या है सिलेंड्रिकल है और उसके दाने के बीच में दाना मोटा है, इसका दाना बिल्कुल 1509 जैसा। मैं क्योंकि पूछा, मैं पूछ रहा था वैज्ञानिक से, मगर जी अभी तो आपने 1692 दिए, अब तुरंत आपने 1847 दे दी, बोले उसमें एक समस्या वो थी। और ये तो अच्छी बात है कि हमारा दूसरा ट्रायल इस बीज का चल रहा था तो ये हम इस साल रिलीज कर पाए ताकि किसान साथी 1509 में जो नुकसान हो रहा उसको ना हो। और ये जो वेराइटी है ये वेराइटी इसका प्रोडक्शन भी 1509 से ज़्यादा है, इसमें रोग भी कम है, आप देख रहे हो इसमें झुलसा और झोंका ब्लाइट, यानी कि ये वेराइटी जो है बैक्टीरियल ब्लास्ट और दूसरी जो ब्लाइट्स हैं उनसे ऑलमोस्ट ये उसके विरोधी हैं। बैक्टीरियल ब्लास्ट और दूसरी जिसमें बहुत ज़्यादा किसानों का बैक्टीरियासाइड और साथ ही साथ फंगीसाइड यूज होता है उसकी कम इसमें लागत आएगी, तो कम लागत में ये धान तैयार हो जाएगा, प्रोडक्शन बहुत अच्छा आएगा। ऐसे ही एक ये नई वेराइटी दूसरी जो है मैं आपको दिखाऊँ, पूसा बासमती 1885 जो 1121 की कम प्रोडक्शन आने से किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, 1121 में जो रोग आ गए उससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो दोनों चीज़ों में ये गुरुजी उन्होंने बताया कि भाई अच्छी रहेंगे, बिल्कुल अच्छी रहेंगे। तो इसमें भी वही बैक्टीरिया ब्लास्ट और ये, दूसरा ये बोल रहे हैं जैसे 1121 था, हाँ हमने अपने एरिया में देखा है 1121 स्टार्टिंग में 18-20 क्विंटल की एवरेज इसकी आया करती थी, अब वो घट के 16-17 क्विंटल पर रह गई है। ठीक है जी, तो बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक किस्म से मान लो ये बुड्ढी हो गई है, वैरायटी बुड्ढी हो गई, तो इन्होंने ये निकाला है 1885 ठीक। और इसके अंदर लिखा जो झुलसा और झोंका रोग है यानी कि रोग मुक्त फसल है, हाँ वो प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, हाँ और स्वाद भी बरकरार रहेगा, जैसे स्वाद वही जैसे 17-18 में मजा नहीं उन्होंने निकाल ली थी, वो प्रोडक्शन तो ले लिया हमने, हाँ लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं था, तो वो मिलर ने खरीदते समय आनाकानी की है, तो वो बार वापिस कह रहे हैं 1121 पे आओ, 1121 पे आएंगे तो क्या प्रोडक्शन नहीं आएगा, फिर किसान फिर नुकसान में रहेगा। तो कोशिश ये थी कि अच्छा बीज लिया उस एमएलए से, तो दो तरह के बीज लिए हैं, 1121 वाला भी लिया है और 1509 का भी लिया है। तो और ये बहुत सारे पैकेट देख के ये मत सोचिएगा कि ये तो रेज का बीज ले आए, ये हमने 8-10 किसानों ने, क्योंकि एक किसान को एक पैकेट मिला था, जो हमें बीज लेने थे वो 3-4 लोगों ने मिलके, और ये एक जगह हमने इकट्ठा कर लिया, ये लगभग 7 किलो बीज है, तो 1.25 किलो का गुरुजी के यहीं हो जाएगा, ना मेरे खेत में इस बार आपको धान का नया बीज मिलेगा ना कहीं और मिलेगा, तो हमारा सबका यहीं तैयार हो जाएगा। साथ ही साथ हम इसको क्या दूसरे किसानों को भी अवेलेबल कराएंगे, बिल्कुल दूसरे किसान जैसे पहले हम अपने खेत में ट्रायल लेंगे, अच्छा हाँ रहेगा तो भी बताया जाएगा, बुरा रहेगा तो भी बताया जाएगा, ताकि ये ना हो साइंटिस्ट ने जो कह दिया हम उस पर आँख बंद करके भरोसा कर ले, खेत में अच्छा है तो अच्छा बताएंगे, बुरा है तो बुरा बताएंगे, अगर अच्छा है तो किसानों को बीज भेज दिया जाएगा खेत में, अगर किसी के पास मौका है समय है तो खेत में आके देखो, समय समय पर विजिट कर सकते हैं, और वैसे सोशल मीडिया के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो हम इसके लेके नर्सरी लगाने से और खेत में ट्रांसप्लांट करने में क्या हम इसमें फर्टिलाइजर दे रहे हैं, क्या हम इसमें फंगीसाइड लगा रहे हैं, वैसे तो गुरुजी का ये रिकॉर्ड रहा है कि ये लगभग 20% फर्टिलाइजर देते हैं टोटल का संतुलित खेती में, ये जैविक खेत की बात नहीं हो रही, ये संतुलित में पैदा किया जाएगा, 20% ये फर्टिलाइजर देते हैं, यूरिया 10% 15% टोटल देते हैं, और फंगीसाइड और बैक्टीरिया साइड का कोई प्रयोग नहीं करते, क्योंकि खट्टी लस्सी का ये लगातार इस्तेमाल करते हैं, कीट कोई आने से पहले नीम तेल या 5 पत्ती काढ़ा वगैरह का आप इस्तेमाल करते हैं, उनको कंटिन्यू प्रयोग करने से बीमारी फिर बच जाती खेत से। बहुत बढ़िया, और इनके इससे ऐसा करने से इनकी लागत भी कम होती है, प्लस फसल भी बढ़िया अच्छी स्वस्थ फसल लेते हैं ये। तो भाई ये खेत का पूरा मैं आप लोगों को गुरुजी के माध्यम से मेरे फेसबुक पे, गुरुजी के फेसबुक पे मेरे फेसबुक का लिंक, गुरुजी के फेसबुक का लिंक, गुरुजी का कॉन्टैक्ट नंबर, सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो ये एक नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है कि आप लोगों को अक्टूबर में नए बीज दे पाएँ दोनों ही, साथ ही साथ 1692 में भी कुछ लगाएंगे ये, उसका भी बीज अवेलेबल रहेगा, इन दोनों का भी अवेलेबल रहेगा। और पिछली वीडियो आपने देखी गेहूँ वाली, गेहूँ का बीज आज से गुरुजी के पास शाम को निकल जाएगा, प्रोडक्शन जो आएगी उसके हिसाब से ये रेट डिसाइड कर लेंगे, वो आपको फ़ोन पर पता लग जाएगा। जो 187 गेहूँ करुणवंदना 187 जो गेहूँ का बीज है और लेके रख लीजिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ पिछले इतने फ़ोन मुझे
सितंबर में अक्टूबर में नहीं आए बीज के लिए, जितने फ़ोन मुझे पिछले 15 दिनों से आ रहे हैं, और कोई कुंटल मांग रहा, कोई दो कुंटल मांग रहा 16-92 का बीज, जबकि उस समय पे मेरा 7-8 दिन में सारा ख़त्म हो गया था। तो जिन किसान साथियों ने ले लिया था उनके भी लगातार फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे चलो हम तो नसीब वाले रहे, हमने तो बीज टाइम से उठा लिया, भाई अब मेरा दोस्त मांग रहा, मित्र मांग रहा, ये बोलते हैं मेरा मित्र है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा गांव वाला मांग रहा है, अब कहाँ से दे, भाई आपकी पूर्ति होगी जो हमारे पास हमने दे दिया। तो बेहतर यही है, क्योंकि हमारे ऊपर भी देखो हम खेती कर रहे हैं लेकिन परिवार के पालन पोषण भी है, तो जिन साथियों को गेहूं का बीज चाहिए वो अभी से लेके रख लें, अपने सुरक्षित रखें और तब उसको वो करें। समय पे बीज मिलने में तो फिर तो दुकान वाले से लेना पड़ेगा, और दुकान वाले का आपको रेट पता ही है कि क्या रेट है। पिछली बार गुरु जी बता रहे हैं कि 1509 बासमती, 1121 बासमती का रेट 150 रुपये किलो, हमने लिया है, आपने खरीदा 150? मैंने, मेरे मित्र ने 150 रुपये किलो के साथ बीज लिया। ठीक, और उसमें से बताना तो नहीं चाहता लेकिन क्या है, उसमें 1509 का जो बीज था वो बिल्कुल भी नहीं चले। बताओ तो 1121 का तो उसने कर लिया लेकिन 1509 में बोल रहा था बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, तब जाकर काम चला मेरा, क्वालिटी नहीं मिली। खैर, तो इस बार तो गुरुजी के पास अपने सारे बीजों की व्यवस्था पहले से समय से इन्होंने कर रखी है, कुछ घर के बीज हैं जो बाहर से लाने थे वो बाहर से ले आए हैं। तो भाई आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लगातार इसी तरह से वीडियो आपको मिलती रहेंगे। दोपहरियों में मोटरसाइकिल घूम रही है, जगह जगह जा रही है, धड़ाधड़ वीडियो बना रहे हैं, ना गर्मी है ना कुछ है, अब लगभग 2 बज रहे हैं, 3 बजे के करीब यहाँ से निकलूँगा, लगभग 150 किलोमीटर बाइक चला कर घर पहुँचूँगा, और कल फिर मेरा कुछ मेरठ का काम है, फिर वापस निकल जाऊँगा किसान साथियों से मिलने के लिए। तो आनंद ही आनंद है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सब बस जुड़े रहें, यही अपनी कमाई है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।